हेलो। हेलो गुड आफ्टरनून, स्वागत है सबका टीडी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इससे कारण से लेक्चर आपका थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, चलिए जुड़ गए लोग, फटाफट जुड़ जाइए। रमजान, ब्यूटी, मार्था, चलिए स्वागत है सबका। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो है वो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। मोना, गुड आफ्टरनून, सबका स्वागत है भाई। सबका स्वागत है। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में कितने तरह की इमरजेंसी है? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, और वो है तीन तरह की इमरजेंसी है। ठीक है, तीन तरह की इमरजेंसी कौन सी है? एक 352 है, दूसरा 356 है, और तीसरा 360 है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये लगाते हैं राष्ट्रपति कभी जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, कैबिनेट का डिसीजन होता है, कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर जाके राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट करते हैं, तो इमरजेंसी लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एन इमरजेंसी डिक्लेरेशन इन एन अकाउंट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन? संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद युद्ध या बाहरी आक्रामकता के कारण भारत में आपातकालीन घोषणा से संबंधित है? 352, 356, 353, 354, बताइए कौन सा होगा। बबीता जी गुड आफ्टरनून, सबका स्वागत है। क्वेश्चन भाई कौन सा है? दो बताइए। दो का बी 352, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर तीन पे आइए, थ्री। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, न्यायाधीश? बोलिए क्वेश्चन नंबर तीन। तीन बताइए। ब्यूटी, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बराबर है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन डेज आफ्टर द प्रोक्लेमेशन। आपातकाल की घोषणा के बाद इस घोषणा को संसद द्वारा डेज के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। 1, 6, 3, 1, 1 साल 6 मंथ 3 मंथ 1 मंथ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रेसिडेंट सही आंसर था भाई, 3 का बी प्रेसिडेंट बराबर है। 4 का बताइए, छह मंथ नहीं भाई, 1 मंथ, ठीक है। 4 का डी आई। क्वेश्चन 5 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल दैट डील्स विथ इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद का सही सेट है, बताइए। बोलिए, तीन सौ बावन, 356, 360 बराबर है। सी 352, 356, 360। ठीक है, बराबर है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। और इसमें बताता तो हूँ मैं, और जो आर्टिकल्स हैं 32 और 226 जो है वो आपका 32 वाला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है और 226 वाला हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहाँ आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो डायरेक्ट जा सकते हैं। 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोला जाता है। और कौन सा आर्टिकल है आपका, थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, आर्टिकल 350 और 351 वाला है, ठीक है। 350 वाला जो है वो बोलता है ये कि कोई भी इंसान है, किसी भी राज्य का हो या किसी भी यूनियन टेरिटरी या पूरे इंडिया में कहीं का भी हो, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है और उसको प्रॉब्लम को किसी को बताना है या लिखित में कोई शिकायत देना है, तो वो किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो हो गया 350। और 351 जो है वो बताता है कि यूनियन को जो हिंदी भाषा है उसको प्रमोट करना चाहिए लैंग्वेज के लिए। क्लियर है, और कौन सा आर्टिकल है इसमें, 335, 36, 37। 35 वाला यह है कि SC ST को एडमिनिस्ट्रेशन में भी बराबर का हक मिलना चाहिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट मतलब उनको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अब कौन सा आर्टिकल, 336, ये बोलता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को सेंट्रल सर्टन सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। और 337 जो है वो, 337 है ना, ये एजुकेशनल ग्रांट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्लियर बात, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आइए,
ये आर्टिकल को एक बार एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन आर्टिकल जो भी था, पिछला आर्टिकल जो भी था मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। 350 बताया वही कि लैंग्वेज है, कोई भी आदमी किसी भी लैंग्वेज में अपना शिकायत दर्ज कर सकता है स्टेट में और सेंटर में, ठीक है। और 351 है जो बोलता है कि यूनियन को हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, और कौन सा था, 335 है जो बोलता है SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन में उनका भी सहभागिता होना चाहिए, 336 जो है बोलता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कुछ सर्टन सर्विस देना चाहिए, और 337 जो है वो एजुकेशन ग्रांट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ये बताता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे करता है, द कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन हेडेड बाई PM, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है 6 का, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाएगा, उसके रिकमेंडेशन पे ही राष्ट्रपति प्रोक्लेम कर सकते हैं, इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आइए, 7। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर, 360, 61, 70, 71, बताइए। सिर्फ संसद नहीं रहे भाई, सिर्फ संसद मतलब सब आ गए, कैबिनेट का जो होता है फैसला वो प्रधानमंत्री के थ्रू ही होता है, डायरेक्ट कैबिनेट बैठ के अपना फैसला नहीं लेती है, कैबिनेट का फैसला प्रधानमंत्री लेके जाते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि वही हेड होते हैं उसके, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, यानी एक इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, ठीक है। चलिए 7 पे आ जाइए। सात आपको पता ही है, ए है 360, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है 360। अगला आर्टिकल जो है 361 है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 361 जो है वो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर एंड राज प्रमुख, प्रेसिडेंट गवर्नर एंड राज प्रमुख से रिलेटेड है आर्टिकल 361। 370 आपको पता ही, जो हट गया जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, और 371 जो है वो है आपका स्पेशल प्रोविजन है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में आपका विदर्भ हो गया जो मराठवाड़ा रीजन हो गया, गुजरात में आपका सौराष्ट्र वाला रीजन के लिए गवर्नर जो है उनको स्पेशल पावर रहता है कि स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज वगैरह घोषित कर सकते हैं, यानी ये स्पेशली रिलेटेड है महाराष्ट्र एंड गुजरात से आर्टिकल 371, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा गया, 8 पे आइए, 8। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, अमेंडिंग प्रोसीजर, संशोधन प्रक्रिया, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। तीन सौ सत्तर जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था ना आर्टिकल जो भी हट गया है, 35A एंड 370, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, 368 किससे डील करता है, अमेंडिंग प्रोसीजर, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दिस। सर थोड़ा स्लो बोलिए। अच्छा ठीक है बंधु, 370 एक्सप्लेन कीजिए। 370 में ऐसा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, 370 जो आर्टिकल है वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, जिसको कि अगस्त 2019 में आई थी, हाँ लास्ट ईयर तो लॉकडाउन था, अगस्त 2019 में उसको हटा दिया गया था। 35A भी एक आर्टिकल था, जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को स्पेशल प्रोविजन देता था कि आप वहाँ पे जमीन नहीं ले सकते हैं, वहाँ के लोकल लोगों के अलावा कोई भी वहाँ पे कोई भी सरकारी नौकरी या कोई भी चीज में सहभागी नहीं बन सकता था, तो ये एक्ट, ये एक आर्टिकल था जिसको कि हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। इसका सही आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है 8 का वो है ए, अमेंडिंग प्रोसीजर। मतलब क्या है कि ये जो आर्टिकल 368 इसके तहत जो अमेंडमेंट्स होते हैं ना, जैसे आपको मान लीजिए कोई अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट है, या अमेंडमेंट संशोधन 101 जो कि आपका GST से रिलेटेड है, तो इस तरह के जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो इस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, कि आर्टिकल 368 बोलता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है,
ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया, भारत में अब तक किस प्रकार का आपातकाल घोषित नहीं किया गया है? ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी कॉज ड्यू टू द इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक परेशानी के कारण आंतरिक आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी कॉज ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण राज्य आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी कॉज ड्यू टू द एक्सटर्नल थ्रेट्स, बाहरी खतरे के कारण बाहरी आपातकाल। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या। अमेंडिंग प्रोसीजर, रोशन गुड आफ्टरनून, वित्तीय आपातकाल, रोशन बराबर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आज तक नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी पता ही आपको, इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा है अभी? ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था नेशनल इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी तो हमेशा लगते रहता है, किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन के बाद अगर सरकार नहीं बनी तो वहाँ पे जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो घोषणा कर देते हैं। एक्चुअली प्रेसिडेंट ही हेड होते हैं, बट वो घोषणा कर देते हैं कि अब सारा कंट्रोल राज्यपाल के पास चला गया है और राज्यपाल ही उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखते हैं स्टेट का, जब तक कि कोई सरकार नहीं गठन है। और ये लगभग हर एक स्टेट में बहुत लगभग लग ही चुका है। ठीक है, एक न एक बार स्टेट इमरजेंसी लगते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एज पर द प्रोसीजर लेड आउट बाय आर्टिकल 368 फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड, संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक संशोधन कब शुरू किया जा सकता है? बाय इंट्रोडक्शन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द राज्यसभा, राज्यसभा में एक बिल प्रस्तुत करके, बाय द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, राज्यों के गवर्नर द्वारा, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में बिल प्रस्तुत करके। ये जर्मनी से लिया गया है, वहां 2 बार लग चुका है। अच्छा, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, बराबर है बात। ठीक है, चलिए, थकावट हो जाता है भाई आजकल कोविड में, इधर उधर ट्रैवलिंग करते करते। डी है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट जो है संशोधन, कोई भी हाउस, पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा लोकसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, बट उसके लिए कुछ मेजोरिटी होता है, वो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हेल्ड, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? 1951, 1950, 1949, 1952। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। ग्यारह का ये नेहरू जी के समय में हुआ था ये। ठीक है, 11 का ए, डेट इज 1951। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लघु संविधान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। मदन गुड आफ्टरनून,
आप लोग जो अमेंडमेंट्स वगैरह है ना उनको थोड़ा सा पढ़ी है, ठीक है? अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? अमेंडमेंट 1976 बराबर है 12 का सी, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 12 का सी आई, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर जिसको आप जीएसटी बोलते हैं, चलिए बताइए। 13 13 का नो आइडिया। 13 का डी है 101 अमेंडमेंट, ठीक है? 101 अमेंडमेंट, और ये आया था 2016 में जीएसटी बिल, ठीक है? तो 13 नंबर का है 101 अमेंडमेंट। जितने भी संविधान संशोधन भी कुछ हैं आप उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है? अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। किस संवैधानिक संशोधन बिल में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 42, 44, 61, 73। क्वेश्चन नंबर 14। चौदह का सी बराबर है, 14 का सी एकदम सही जवाब, 61, ठीक है? 61 अमेंडमेंट 14 का सी है। 44 नहीं भाई, 61वां संविधान संशोधन, 14 का सी है, ठीक है? आइए 15 पे आइए। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड ओनली बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा केवल भारत में संसद की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, राज्य की स्थापना, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य के वेतन और भत्ते, अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के भत्ते, अमेंडमेंट इन द आर्टिकल 368। बताइए क्वेश्चन 15। देखिए पार्लियामेंट के कंसेंट से और स्पेशल मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट है ना आर्टिकल 368, समझे कि नहीं बात, उसको अमेंड किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, ध्यान रखिए, ठीक है? और भी इसमें कुछ चीजें हैं, 3-4 पॉइंट और है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द राइट आंसर, ठीक है?
बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। ये कब हुआ था 61th वाला अमेंडमेंट? 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स प्लान असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजना सहायता प्रदान करती है? 16 का सी बराबर भाई, 16 का सी। सर सैलरी का भी होता है, सैलरी का होता है भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है अमेंडमेंट। ठीक है, सैलरी में होता है, ठीक है, सैलरी भत्ते वाला काम होता है, बट इसमें जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी 368 सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दिया है 275 ये प्लान असिस्टेंस है, और जैसे आप आर्टिकल देखिएगा आप 277 जो है, 277 आर्टिकल जो आपको बता दूं ये क्या है कि मान लीजिए 277 आर्टिकल क्या है, संविधान के बनने के पहले, ठीक है, संविधान के बनने के पहले जो टैक्स वगैरह लिया जाता था, सेस वगैरह लिया जाता था, या कोई भी और भी चीज जो नगर पालिका हो गया या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता था, वो अभी भी किया जाएगा जब तक कि कोई स्पेशल प्रोविजन वगैरह कुछ नहीं आता है। मोटे मोटे शब्दों में ये मीनिंग है इसका। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल है, 285। ठीक है, 285 क्या बोलता है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर कोई स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई कर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाएगा। और कौन सा आर्टिकल है भाई, 270। 270 जो आर्टिकल है ये बताता है कि लेवाइड, यानी ये मतलब इससे समझिए इसको, 270 मतलब ये हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगी, और टैक्स जो है वो यूनियन और स्टेट दोनों में बटेगा, जिसका जितना हिस्सा बनेगा वो। समझे बात की नहीं? तो ये तीन आर्टिकल ये हो गए, और जो आपका 275 है वो तो बताता ही है कि वो असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 नंबर का, क्लियर सबको। आइए क्वेश्चन 17 पे। द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित रहेंगे, किस देश के संविधान से उधार लिए गए थे? जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 17 का आंसर। क्वेश्चन 17 17 का सही आंसर है ए, जर्मनी। इसको बोलते हैं बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसी को बोलते हैं बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा क्वेश्चन भैया? 17। 17 का जो सही आंसर है वो है ए, और ये है जर्मनी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 17 हो गया 18। हु सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक? संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक का चेक की तरह है? महात्मा गांधी, केटी शाह, ये प्रोफेसर थे, प्रोफेसर केटी शाह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, जिनको आप जेपी के नाम से भी जानते हैं।
विनोद जर्मनी बराबर है विनय माधिक मदन सुरभि विनय मोना अभिषेक जर्मनी बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइए क्या होगा। 18 का बी केटी शाह, बिल्कुल सही जवाब है 18 का बी केटी शाह, ये सब याद रखिए। 19 का दिए 19। हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर हु हैज मेजोरिटी सपोर्ट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मुख्यमंत्री जिसे राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो उसकी नियुक्ति कौन करता है। गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 19, 18 का बी केटी शाह बराबर है, अभिषेक सही है केटी शाह, रोशन जयप्रकाश नारायण नहीं बाबू, मदन बी बी कौन सा था केटी शाह, ऑप्शन बराबर है, विनय बराबर है, विनोद केटी शाह होना बराबर है, विनोद गवर्नर, ठीक है एकदम सही। जिसको मेजोरिटी रहता है गवर्नर उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, वो मेजोरिटी प्रूव करते हैं तो उनको सरकार बनाया जाता है, जो लोग चुन के आते हो अपना नेता चुन लेते हैं वही नेता उनका सीएम बन जाता है। ठीक है तो इसका सही आंसर है 19 का ए और वो है गवर्नर, ठीक है ऑप्शन नंबर ए और वो है गवर्नर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर, हु हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का सदस्य न होने के बावजूद संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसे है। सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर अटर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसका बी बराबर है अटॉर्नी जनरल, इनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ही बोलते हैं और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 एक लॉ ऑफिसर होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल गाइड वगैरह देगा, और यही लॉ ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 21 पे, विच सॉरी आर्टिकल 21 ए वॉज इंसर्टेड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई वे ऑफ डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 83rd, 82nd, 85th, 86th, बताइए। अटॉर्नी जनरल 20 का बी, अटॉर्नी जनरल भाई सॉलिसिटर जनरल नहीं अटॉर्नी जनरल, इन सब का फंक्शन बता दीजिएगा। देखिए एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे होता है, अटॉर्नी जनरल आपका सेंट्रल लेवल पे होता है, ये लॉ ऑफिसर होते हैं जो लोग स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देते हैं और उनके मैटर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं, यही इनका काम होता है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आ जाइए, बबीता 86 अमेंडमेंट, 21 का ए 83rd, और कोई बोलिए भाई 21 का सही आंसर क्या है। 21 का ए 83rd, इसका सही आंसर है 21 का डी और वो है 86th अमेंडमेंट। ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 का डी है और वो है 86th अमेंडमेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर, तो भाई जिन लोगों ने भी टीडीए टेस्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया है आप टीडीए टेस्ट ऐप को डाउनलोड करें और जेपीएससी के मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, साथ ही साथ हिस्ट्री का भी मॉक टेस्ट वहाँ अवेलेबल है, सेक्शन वाइज टेस्ट चालू हो गया है, एक दो दिन में आपको करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर से ही मिलना चालू हो जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को सॉल्व करें। ठीक है चलिए डी 21 का डी बराबर है 86th अमेंडमेंट।